महाराष्ट्र में चुनावी शोर थम गया है, लेकिन अंतिम दिन शिंदे से लेकर उद्धव ने, शरद पवार से लेकर अजित पवार ने एक दूसरे पर जमकर वॉर किए। राहुल गांधी ने एक है तो सेफ है के नारे से किसे जोड़ा, कटने और काटने की बात किसने की, बारामती में नया खेल क्या हुआ, वोटिंग से 30 घंटे से पहले शरद पवार ने सियासी वारिस को लेकर कौन सा नया खेल खेला है, फुल डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। ज्यामध्ये माझ्या अल्पसंख्याक समाजाला सांगतो की कुणाचीही भीती बाळगू नका, त्यांच्यावर कुठल्याही परिस्थितीमध्ये जोपर्यंत तुमचा अजित पवार तुमचा आमदार आहे तोपर्यंत त्या ठिकाणी अन्याय होऊन देणार नाही। महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा दंगल है बारामती, जहां इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन सबसे बड़ा चुनावी मंच सजा। रैली करने शरद पवार भी आए, उनकी पत्नी प्रतिभा पवार भी आई, पोती रेवती सुले भी आई और योगेंद्र की माँ भी आई। तो रैली करने अजीत दादा भी गए, क्योंकि इस सीट की लड़ाई सत्ता से ज्यादा साख से जुड़ी है, पवार कैंप के वोटर्स के विश्वास से जुड़ी है। लोकसभा चुनाव में बारामती में ननद सुप्रिया सुले वर्सेज भाभी सुनेत्रा पवार में मुकाबला था। तब सुप्रिया के सारथी युगेंद्र पवार थे और सुनेत्रा की कमान पति अजीत पवार ने संभाली थी, लेकिन इस चुनाव में युगेंद्र भारी पड़े और सुप्रिया सुले ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। अब 5 महीने बाद बारामती में सुप्रिया के सारथी युगेंद्र पवार और सुनेत्रा के पति अजीत पवार मैदान में हैं। इस बार लड़ाई चाचा वर्सेज भतीजे में है। युगेंद्र अजीत पवार के भाई श्रीनिवास के बेटे हैं। बारामती की ये लड़ाई तय करेगी कि महाराष्ट्र के पवार परिवार की पावर किसके पास होगी। कभी कभी एक हार पूरा राजनीतिक करियर खत्म कर देती है, लेकिन राजनीति में बहुत कम मौका होता है कि 5 महीने में सेकंड चांस मिले। सेकंड चांस सिर्फ जीतने का नहीं, वर्चस्व बरकरार रखने का है, वो भी उस जगह पर जो पवार फैमिली का गढ़ हो। अजीत पवार को भी वो चांस मिला है, वो बखूबी इस बात को जानते हैं। तभी चुनावी अभियान के अंतिम दिन बारामती के लोगों के सामने भावुक अपील कर रहे हैं, जनता से अपना करीबी रिश्ता बता रहे हैं, 8वीं बार विधायक बनने के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। पवार साहेबांनी मला 90-91 तिथे बारामतीचा प्रतिनिधित्व दिल्यानंतर मला एक तर भीती होती, कारण पवार साहेबांच्या सारखा नेता बारामतीकरांचा 67-72-72-80-85-90 प्रतिनिधित्व करतायत, आणि नंतर आपण तिथं जायचं, आणि जर आपण कमी पडलो तर बारामतीकर बिन पाण्यानेच माझे करतील, बाकी काही खेळणार नाही। कारण मंत्रीराव साहेब एवढं काम करायचे ही तर नुसताच झोपतोय, तेव्हापासूनच झोप गेली आणि त्याच्यापासूनच पहाटे उठायची सवय लागली आणि रात्री उशिरापर्यंत काम करायची सवय लागली, तेव्हापासून बारामतीकरांनो 91 पासून आजपर्यंत विकासाच्या बाबतीमध्ये मागं बोलून बघितलं नाही, सतत विकास 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 करत गेलो। अजित पवार बारामती से 7 बार विधायक 1 बार सांसद रह चुके हैं। बारामती में अजित पवार के एक क्षत्र राज की वजह शरद पवार है। जब तक अजित चाचा शरद के साथ थे, बारामती ने उन्हें खूब प्यार दिया। 2019 विधानसभा चुनाव में अजीत पवार को 83% वोट बारामती में मिले थे। वो 1,65,265 वोटों से जीते थे, लेकिन जब उन्होंने शरद पवार का साथ छोड़ा तो बारामती के लोगों ने बड़े पवार यानी शरद पवार का साथ दिया। सुप्रिया सुले को बारामती लोकसभा में सबसे ज्यादा लीड बारामती विधानसभा में हासिल हुई। बारामती विधानसभा में सुप्रिया सुले को 48,168 वोट मिले। इसे अजीत पवार के लिए खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। यही अजीत पवार के लिए सबसे बड़ा फियर फैक्टर है। काही आता प्रचार करतात, एक मिनिट माई माऊली, काही म्हणतात अजित पवारला मत म्हणजे भाजपला मत, अजिबात नाही। अजित पवारला मत म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराला मत,
भाजपचा पाठिंबा आहे नाही असं नाही, ते टीका करतात। अरे आम्ही महायुती केली, तुम्ही महाविकास आघाडी केली ना, जर तुम्हाला भाजपचा पाठिंबा एवढं लागतंय तर तुम्ही शिवसेनेचा पाठिंबा घेतला नाही, शिवसेनेची विचारधारा काय? पिछले दिनों पवार ने ये कह दिया कि अब आगे युगेंद्र है, इसे उनके इमोशनल कार्ड के तौर पर देखा गया। दूसरी तरफ शरद पवार भी पोते युगेंद्र के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरी फैमिली के साथ प्रचार कर रहे हैं, भतीजे अजीत को हराने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। एक दा दोन दा तीन दा मुख्यमंत्री 2024 के लोकसभा चुनाव पवार वर्सेस पवार बैटल में चाचा शरद पवार भतीजे अजीत पवार पर भारी पड़े थे। लोकसभा में 10 सीट पर चुनाव लड़ने वाली एनसीपी शरद को 8 पर जीत मिली, जबकि अजीत पवार वाली एनसीपी सिर्फ 1 सीट जीत सकी। महाराष्ट्र में चुनावी शोर खत्म हो गया। अंतिम दिन शिंदे से लेकर फडणवीस, पवार से लेकर ठाकरे, सभी ने जोर आजमाइश की। महाराष्ट्र में मुकाबला दो अलायंस के बीच है, महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी है। महायुति में सबसे ज्यादा 149 सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट उतारे हैं। दूसरे नंबर पर शिंदे वाली शिवसेना है, शिवसेना के 81 कैंडिडेट मैदान में हैं, जबकि अजीत पवार वाली एनसीपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अन्य 6 सीटें गठबंधन के दूसरे सहयोगियों को दी गई है। महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा 101 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। दूसरे नंबर पर उद्धव वाली शिवसेना है, शिवसेना यूबीटी ने 95 कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि शरद पवार वाली एनसीपी 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महायुति में अगर स्ट्रांग से वेरी स्ट्रांग सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 149 में से 95 सीटें ऐसी है जहाँ वो स्ट्रांग से वेरी स्ट्रांग है, जबकि एनसीपी की ऐसी 32 सीटें हैं, शिवसेना 43 सीटों पर मजबूत है। जबकि अगर कमजोर सीटों की बात की जाए तो बीजेपी जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनमें 21 सीटें ऐसी हैं। शिंदे वाली शिवसेना 13 सीटों पर कमजोर है, जबकि अजीत पवार वाली एनसीपी 10 सीटों पर वीक है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस की 39 ऐसी सीटें हैं जहां वो स्ट्रांग से वेरी स्ट्रांग है, शिवसेना यूबीटी के पास ऐसी 40 सीटें हैं, जबकि शरद पवार वाली एनसीपी 36 सीटों पर काफी मजबूत है। कमजोर सीटों की बात करें तो कांग्रेस 25 सीटों पर कमजोर है, शिवसेना यूबीटी 32 और एनसीपी शरद 23 सीटों पर कमजोर है। सबको पता है कमजोरी कहाँ है, मजबूती कहाँ है, ताकत कहाँ लगानी है। सब ने ताकत भी बिल्कुल वही लगाई जहाँ वोट बढ़ने की उम्मीद है, जहां से जीत हार का असर पड़ सकता है, जहां सत्ता के करीब पहुंचा जा सकता है। बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 10 रैली की, हर रीजन को कवर किया। योगी आदित्यनाथ ने भी 10 रैली की और अमित शाह ने 16 रैली की, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र में 10 रैली की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 11 रैली और प्रियंका गांधी ने 2 रैली और 1 रोड शो किया। देखा जाए तो महाराष्ट्र में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, ऐसे में सबसे ज्यादा सीटों पर आमने सामने की लड़ाई में भी कांग्रेस और बीजेपी है।
बीजेपी और कांग्रेस के बीच 75 सीटों पर डायरेक्ट फाइट है। इसके बाद शिंदे की शिवसेना वर्सेज उद्धव की शिवसेना के बीच मुकाबला है। दोनों पार्टियों के बीच 53 सीटों पर मुकाबला है। अजीत पवार वाली एनसीपी और शरद पवार वाली एनसीपी के बीच 41 सीटों पर डायरेक्ट फाइट है। महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार कई नए नारे मुद्दे हावी रहे, लेकिन सबसे फेमस नारा यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का रहा। महाराष्ट्र में इस बार योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा काफी फेमस हुआ। मोदी ने एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया। शिंदे और उद्धव सेना के बीच असली और नकली हिंदुत्व और गद्दार वर्सेस परिवार का मुद्दा भी हॉट टॉपिक रहा। खटाखट पैसा ट्रांसफर से लेकर मराठा आरक्षण, वोट जिहाद, धर्म युद्ध और महाराष्ट्र का गुजरातीकरण जैसा मुद्दा भी इस चुनाव में हावी रहा। एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे नारों को लेकर छिड़े घमासान के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेहद विवादित बयान दे दिया। खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहर और जहरीले सांप से कर दी। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो बीजेपी और आरएसएस।